ज्यादा बोलने वाले लोग कम हैं, लेकिन काम करने वाले और काम से अपना परिचय बनाने वाले, अपना 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 तारुफ दोनों दूसरों से कराने वाले लोग बहुत हैं। तो क्या हमको ये देखने को मिलता है, जो मेजर शिफ्ट देखने को मिलेगा, क्या ये देखने को मिलेगा इस एडमिनिस्ट्रेशन में कि हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ट्वीट ना की जाएँ, हो सकता है बहुत सारी चीज़ों की ट्रम्पेट ना बजे, लेकिन काम होता हुआ नजर आएगा क्या आप, अशोक सज्जनहार साहब? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं दिनेश। देखिए, मेरे ख्याल से जो ट्वीट से विदेश नीति चलाने का जो रिवाज है वो केवल ट्रंप ने किया है। उससे पहले भी अगर आप देखें तो चाहे हिलरी क्लिंटन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही, जॉन करी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे, कोई अपनी ऐसी तूती नहीं बजाते थे, कोई ऐसे अपने ट्रम्पेट नहीं बजाते थे। वो ट्रंप साहब की खास स्वयं की उनकी अपनी विशेषता थी। परंतु एक चीज मैं और इसमें कहूंगा, क्योंकि जैसे आपने कहा एंटनी ब्लिंकन है, जेक सलिवन है, अगर भारत के नजरिए से देखें तो ये भारत को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। हमारे अब जो विदेश मंत्री हैं वो वहां पर एम्बेसडर थे, राजदूत थे जब बराक ओबामा का टेन्योर था, और ये उनके साथ चाहे जेक सलिवन हो, एंटनी ब्लिंकन हो, इनके साथ इनकी बड़ी अच्छी मित्रता है, बड़ी अच्छी तरह इनको जानते हैं और वो लोग भी भारत को जानते हैं और भारत में उनके जो इंटरलोक्यूटर्स हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं, उन सबको जानते हैं। तो इन सब को देखते हुए जो अभी तक अनाउंसमेंट हुई है, विलियम बर्न्स आ रहे हैं CIA के चीफ बनकर, वो भी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे बराक ओबामा के समय में, तो ये सब जो है ये इन सबको देखते हुए मुझे ये बहुत उम्मीद है। वैसे ही वहां पर देखिए दिनेश, बाईपार्टिसन सपोर्ट है जो भारत और अमरीका के रिश्तों को हमको आगे लेकर जाना है, उनको और सुदृढ़ करना है। आपको ये भी मालूम है जो राष्ट्रपति इलेक्ट जो बाइडन ने 2006 में कहा था, जो वो ये उम्मीद करते हैं जो 2020 में भारत और अमेरिका सबसे घनिष्ठ मित्र होंगे, तो अब संयोग ये है जो वो अब राष्ट्रपति बन रहे हैं और ऐसे लोगों को उन्होंने इन उच्च पदों पर स्थापित किया है जो कि भारत को अच्छी तरह जानते हैं, भारत के साथ अच्छे संबंधों को आगे वो बढ़ाना चाहते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।